तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज. ओके, सो टिश्यूज में हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, एनिमल टिश्यूज में हमने अभी तक क्या देखा कि एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले देखा था फंक्शन के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स हैं टिश्यूज के. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो है एपिथेलियल टिश्यू देखा हमने, जिसमें हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखा. ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो टिश्यूज देखे वो थे कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में सारे टाइप्स हमने पढ़े. ठीक है, उसके बाद जो है हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे आज. और उसके पहले हमने मस्कुलर टिश्यू देखा, मसल टिश्यू किस प्रकार से मसल सेल से बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, किन किन प्रकार की मसल्स होती है बॉडी में, मसल टिश्यू कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वह हमने देखा. तो लास्ट सेक्शन में यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियोज जो है वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं फिर से. ठीक है, सो टुडे जो है कनेक्टिव टिश्यू हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू. ठीक है, तीन मेजर टाइप के हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मसल टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, एंड देन थर्ड द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जो कि बाइंडिंग करते हैं. और उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू में जो हम देखने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. देखा हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर टिश्यू देखा, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, यह हमने देखे. आज जो है हम कनेक्टिव टिश्यू में ही जो सेकंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है वह है स्केलेटल टिश्यू. ठीक है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वह अब हम देखने वाले हैं. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल जो है वो है हमारी बोन्स एंड कार्टिलेजेस. ठीक है, स्केलेटल, स्केलेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है. ठीक है, इस पर जो है बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म होता है, इट्स लाइक अ ढांचा. ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क है बॉडी की जो कि स्केलेटल टिश्यू से फॉर्म होती है. यह स्केलेटल टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू है. क्यों? क्योंकि यह भी बाइंड करके रखता है बॉडी को. और जैसा कि हमने कनेक्टिव टिश्यू के मेन जनरल फीचर्स देखे थे, वह क्या थे कि इसका जो सेल्स होती हैं वह उसमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होता है, उसको जो है हम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, तो इसका भी बेसिक पैटर्न वही होता है स्ट्रक्चर का. ठीक है, दूसरा यह जो कनेक्टिव टिश्यू होता है स्केलेटन, यह क्या करता है? यह वाइटल ऑर्गन की जो है रक्षा करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि वाइटल ऑर्गन कौन से हुए हमारी बॉडी में? ब्रेन. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. वाइटल मीन्स दे आर वाइटल फॉर लाइफ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. ठीक है, तो वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? मेन वाइटल ऑर्गन से ब्रेन, वाइटल ऑर्गन से लंग्स, एंड वाइटल ऑर्गन से हमारे जो है हमारा हार्ट. ठीक है, तो दीज आर द थ्री मेजर ऑर्गन. इसके अलावा भी सारे ऑर्गन्स जो कि जैसे कि किडनीज हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, स्टमक है, तो यह भी जो है इन्हें भी बहुत प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है. तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन है स्पेशली, उनको जो है प्रोटेक्ट रखता है हमारा स्केलेटन. जैसे यदि आप देखेंगे ब्रेन की यदि हम बात करें, तो ब्रेन किसके अंदर सुरक्षित रहता है? क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है. वहीं यदि हम बात करें लंग्स की और हार्ट की, तो वह थोरैक्स कैविटी जो कि रिब्स के द्वारा फॉर्म होती है उसमें वह प्रोटेक्ट रहता है. तो रिब्स क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ स्केलेटन. ठीक है, तो इस प्रकार एक तो स्केलेटन का काम होता है हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाना. ठीक है, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वह है लोकोमोशन. मूवमेंट में भी स्केलेटन हेल्प करता है. स्केलेटन की मदद से ही बॉडी मूव कर पाती, लोकोमोशन कर पाती स्पेशली. ठीक है, तो इस प्रकार तीन जो है इंपॉर्टेंट काम है इनके. सबसे पहला हम देखेंगे कि लोकेशन कहाँ होती है इसकी. तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वह क्या करता है? वह एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन. ठीक है, ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडो
मतलब अंदर की तरफ, और स्केलेटन मतलब स्केलेटन, ठीक है। तो स्केलेटन मतलब जो हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। इसको हम क्यों स्पेशलाइज कर रहे हैं एंडोस्केलेटन के लिए, क्योंकि यदि आप इंसेक्ट्स देखेंगे तो इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर, ठीक है, क्या क्या रहता है, हार्ड कवरिंग रहती है जो कि काइटिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन उसे कहा जाता है। इसलिए यह जो बॉडी के अंदर पाया गया है हार्ड टिश्यू उसे कहा गया एंडोस्केलेटन, जो कि बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यह जो स्केलेटल टिश्यू है ये वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वह किस प्रकार का होता है, मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है वह मिनरलाइज्ड होता है, इट कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसका मेन जो है वह यह कि मैट्रिक्स जो होता है इन टिश्यूज का वह होता है मिनरलाइज्ड, उसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और ठीक है, और मेन जो फंक्शन है हमारे टिश्यूज का, स्केलेटन टिश्यूज का, स्केलेटल टिश्यूज का, वह क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन, एंड हेल्प्स इन लोकोमोशन। यह तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, जो कि स्केलेटन टिश्यू की वजह से ही हो पाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट इज कार्टिलेज एंड सेकेंड इज बोन्स, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज का लोकेशन कहाँ होता है, कार्टिलेजेस जो है यदि आप देखें कि बॉडी में, यदि हम एक्सटर्नली देखा जाए तो ईयर, जो पिन्ना ऑफ ईयर होता है उसमें वह हमें इलास्टिक फील होता है, लेकिन सेम टाइम पर हमें थोड़ा हार्ड भी जो है वो फील होता है। इसी प्रकार नोज, नोज का जो नेजल सेप्टम है, ठीक है, नोज जो है वह भी कार्टिलेजेस से फॉर्म होती है, ठीक है। साथ ही स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स में कुछ पार्ट जो है वो कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है, ठीक है। साथ ही पिन्ना ऑफ ईयर, ठीक है, पिन्ना ऑफ ईयर एंड नेजल सेप्टम, ठीक है। वहीं यदि आप शार्क को देखें, ठीक है, तो शार्क फिश की जो कैटेगरी होती है वो कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाती हैं, ठीक है। तो शार्क्स या कहें कार्टिलेजिनस फिशेज में द होल होल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली, ठीक है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, देखिए जब फिशेस में आप डिवीजन पढ़ेंगे तो फिशेस में पाइसिस में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होती है बोनी फिशेस, एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनकी स्पेशलिटी यही है कि उनका पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन है वह फॉर्म होता है सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजेस से। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट इज शार्क फिशेस, शार्क फिश जो है इट इज कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह कि द होल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली, ठीक है। तो लोकेशन हमने देखी किस प्रकार की होती है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो जो कार्टिलेज होता है उसमें जो मोस्ट एबंडेंटली टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है वह होता है हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका जो मैट्रिक्स होता है इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीनस होता है, दैट मींस
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलके हुए बना रहता है यह, और इसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट शुगर होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्लस कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कॉन्ड्रीन प्रोटीन कहते हैं। तो जो मैट्रिक्स होता है वह कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और कॉन्ड्रीन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। यह जो ग्लाइकोप्रोटीन है वही इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इसका मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से। और जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन से मिलके बना है? ग्लाइको और प्रोटीन। तो ग्लाइको क्या है? इट्स अ शुगर, और शुगर कौन सी है? कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। और जबकि प्रोटीन कौन सा है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो इनसे मिलकर कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। साथ में जो सेल्स इनमें होती हैं वह कहलाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो ग्रुप्स में रहती हैं, 2 और 4 के ग्रुप्स में, ठीक है। और वह जो कैविटी में रहती हैं उसको कहते हैं लैक्यूना। दे रेस्ट इन अ कैविटी, रेस्ट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं लैक्यूना, ठीक है। इसका यदि एक स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स जो है हाइलिन कार्टिलेज का ब्लूइश कलर का दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कॉन्ड्रो दिस इज द मैट्रिक्स और दीज आर द सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है जो कि मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं, ठीक है। सो दिस इज द लैक्यूना जिसमें कि सेल्स हैं, और दीज आर द सेल्स विच आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, एंड दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है। और जो कार्टिलेजेस होते हैं वह व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमने व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखा था, कौन से होते हैं? जिनमें कि कोलेजन फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और वह बहुत हार्ड होता है, ठीक है। यह टिश्यू जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और उसका हमने क्या फंक्शन देखा था कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक तो बनाता है टेंडन्स जो कि मसल्स को बोन से जोड़ता है, दूसरा हमने देखा था शीथ बनाता है। तो वह शीथ जो है वह एक्चुअली क्या होती है? बोन्स की कवरिंग होती है, विसरास की कवरिंग होती है, और कार्टिलेजेस की कवरिंग होती है। तो कार्टिलेजेस में जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसे कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो कि क्या होती है? इट्स अ लेयर ऑफ कनेक्टिव व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेजेस जो रहते हैं उनके ऊपर इन व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजेस के क्या फंक्शंस है, ठीक है, फंक्शन क्या है? एक तो यह हार्ड होता है एज वेल एज इट इज इलास्टिक, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्ब, इट वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर,
ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह और एक्ट करता है, साथ ही टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है यह प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा कि शार्क फिशेज जो होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, शार्क की ही तरह जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनका होल स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक, तो इस प्रकार कार्टिलेज का हमने देखा। कार्टिलेजेस की एक और खास विशेषता यह है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वह यूनिडायरेक्शनल होती है, दैट मींस कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में ग्रोथ होती है कार्टिलेज की। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल जो है ग्रोथ होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक, एक ही दिशा में इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, इलास्टिक होता है और इसकी जो सेल्स हैं वो किस में, लेक्यूना में रहती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में हमने देखा कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और कॉन्ट्रीन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो नहीं होते, जैसा कि हम देखेंगे बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यह है, दीज आर द ऑल फीचर्स ऑफ कार्टिलेजेस। नाउ वी विल सी द अदर स्केलेटल टिश्यू एंड दैट इज बोन्स। तो बोन्स अब हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू है वह है बोन्स। ठीक है, तो बोन्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। ठीक है, क्योंकि यह जो है मेन हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन ऑफ जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें भी स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वह जो है कम्प्लीटली किसका बना होता है, बोन्स का। ठीक है, तो बोन्स जो हैं हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, बोन टिश्यू का मैट्रिक्स, इट कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑस्टिन प्रोटीन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैल्शियम फॉस्फेट्स जो है हमारी बोन्स में रहता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि यदि हम कैल्शियम रिच डाइट लेंगे तो बोन्स स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि बोन्स बनी हुई हैं कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है कैल्शियम फॉस्फेट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है ऑस्टिन प्रोटीन। ठीक है, बोन्स जो हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिस प्रकार से पेरिकॉन्ड्रियम था उसी प्रकार से पेरिओस्टियम रहता है। बोन्स में एक कवरिंग होती है बोन्स की, जिसे कहते हैं पेरिओस्टियम, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है और वह भी उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बोन्स की जो ग्रोथ है वह बाय डायरेक्शनल होती है, अनलाइक कार्टिलेजेस। तो बाय डायरेक्शनल ग्रोथ, दैट मीन्स दो दिशाओं में ग्रोथ होती है, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ती जाती बोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोन्स भी ग्रोथ होती है, बोन्स में भी ग्रोथ होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि यदि बच्चा रहता है तो उसकी बोन्स छोटी होंगी, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी बोन्स में भी ग्रोथ होती है। इसीलिए चाइल्डहुड में जो है कैल्शियम रिच डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है इनकी, बोन्स की। ठीक, अब यदि उसका हम टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें किस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है, तो यदि हम देखें बोन्स को तो बोन्स हैव लॉन्गिट्यूडनल कैनालिक्यूले सिस्टम, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल सिस्टम, वेरियस लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं जिसे कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। कैसे समझेंगे इसको? देखें, यदि एक बोन हम देखें इस प्रकार से, ठीक है, इसका यदि आप इसको हम यदि लॉन्गिट्यूडनल इसका सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बीच में से हम कट कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से दिखेगा? इस प्रकार से मल्टीपल, स्पेशली वॉल में। ठीक है, क्योंकि बोन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि दे आर हैविंग अ कैविटी, बोन्स हैव कैविटी विच कंटेन अ फैटी टिश्यू एंड दिस फैटी टिश्यू इज कॉल्ड इज बोन मैरो।
इसे बोन मैरो कहते हैं, जो कि एक फैटी टिश्यू होता है। बोन मैरो इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू, क्यों? क्योंकि बोन मैरो से ही, बोन मैरो जो है हीमोपोएटिक इन फंक्शन होता है। हीमोपोएटिक इन फंक्शन मतलब क्या कि, ठीक है, बोन मैरो इज हीमोपोएटिक, हीम मतलब ब्लड और पोएटिस मतलब कि फॉर्मेशन। तो ब्लड में जो सेल्स होती हैं, ठीक है, आगे जाके जब आप वेस्क्युलर टिश्यू पढ़ेंगे तो ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जैसे WBCs एंड RBCs। तो यह जो WBCs एंड RBCs है उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में, ठीक है। तो बोन मैरो में जो है हीमोपोएटिक फंक्शन होता है, वहीं से ही जो है सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन्हें ल्यूकेमिया हो, जिन्हें ब्लड कैंसर हो, उसमें क्या होता है कि जो सभी नॉर्मली बननी चाहिए सेल्स वो नहीं बनती है, एबनॉर्मली कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो हैं सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्शन हो पाता होता है, और जो अदर ब्लड सेल्स होती है उनकी कमी हो जाती है बॉडी में, और उस जो एबनॉर्मलिटी है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो दैट हेल्दी बोन मैरो यदि उस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सके तो वह हेल्दी सेल्स बनाने लगे, ठीक है। तो बोन मैरो जो है कहाँ रहता है? बोन्स की कैविटी में, लॉन्ग बोन्स की स्पेशली जो रहता है, लॉन्ग बोन्स जो रहती है जो कि हमारे लिम्स में रहती हैं उनकी कैविटी में स्पेशली बोन मैरो रहता है, और वह जो है ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए जब आप इसका एक, हम जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट रहे हैं तो यह मिडिल में जो मिलेगा हमें, मिडिल में यह कैविटी मिलेगी जो कि बोन मैरो कंटेनिंग होती है। बोन मैरो भी दो प्रकार का हो सकता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोन मैरो कैविटी है, ठीक है, और वॉल्स में जब आप देखेंगे तो वेरियस कैनाल्स दिखती है हमें इस प्रकार से, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स ट्रांसवर्स कैनाल्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर देखें तो किस प्रकार से होंगी, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल्स लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती है जो कि एक दूसरे से ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा कनेक्ट रहती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और यह ट्रांसवर्स कैनाल कहलाती है वॉक्समैन कैनाल। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को कहते हैं हेवर्शियन कैनाल सिस्टम। अब यदि एक हेवर्शियन कैनाल का हम स्ट्रक्चर देखें तो वह किस प्रकार से होगा, सिर्फ एक सिंगल हेवर्शियन कैनाल का हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा? हेवर्शियन कैनाल इस प्रकार की होगी, ठीक है। हेवर्शियन कैनाल जो सिस्टम रहता है उसके अंदर एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक लिम्फैटिक वेसल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो सिस्टम होता है एक्चुअली बोन का ट्रांसपोर्टिव सिस्टम होता है। बोन्स के अंदर, ठीक है, इन कैनाल्स में जो है आर्टरीज और वेन सप्लाई करती है, और उसकी वजह से ही बोन को न्यूट्रिशन मिल पाता है और ऑक्सीजन मिल पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह है हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल में जो मैट्रिक्स होता है वो कैनाल के आसपास कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में जो है अरेंज रहता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज होता है, ठीक है, और इन रिंग्स को कहा जाता है लैमली, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक रिंग में मैट्रिक्स अरेंज होता है जिन्हें लैमेलीज कहा जाता है। इन रिंग्स में स्पेसेस होते हैं, रिंग लाइक स्पेसेस लाइक दिस, इन स्पेसेस को कहा जाता है लैक्यूनी, और इन लैक्यूनी में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। यह रिंग लाइक देखा हमने,
ठीक है, इन्हें क्या कहा हमने, लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर रहती हैं बोन सेल्स जिन्हें कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और हमें जैसा कि पता है कि ये जो लैक्यूना होती हैं, इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है इस प्रकार से, और इन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसों का कहा जाता है केनालिक्यूलिस, ठीक है। इस प्रकार से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस क्या हैं, एक सेल्स में से, ठीक है, जब जो है कुछ प्रोसेसेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब हम ऑस्टियोसाइट्स को देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑस्टियोसाइट्स होती हैं जिनकी की यह प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये ऑस्टियोसाइट किस में रहती है, ये रहती है लैक्यूना में, ठीक है। यह है लैक्यूना और इन साइटोप्लाज्मिक, दीज आर ऑस्टियोसाइट, दिस इज ऑस्टियोसाइट, और ऑस्टियोसाइट की क्या है ये, दीज आर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी इन्हें कहा जा सकता है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल या प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल की वजह से फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये दीज आर प्रोसेसेस, ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेसेस रहती हैं। ठीक है, तो पूरी जो बोन का मैट्रिक्स देखेंगे तो हमें इस प्रकार से उसमें प्रोसेस दिखेंगी, ठीक है, समझ में आया। लैक्यूना, लैक्यूना में रहती है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, और दिस इज साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जिन्हें क्या कहा जाता है, केनालिक्यूले, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर। यदि हम एक एवर्शन कैनाल का स्ट्रक्चर देखें, देखिए बोन्स हैव लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स, यहां हमने देखी ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स, ये क्या कहलाती है, एवर्शन कैनाल, कनेक्टेड विद ट्रांसवर्स कैनाल जिन्हें क्या कहते हैं, वॉक्समैन कैनाल, ठीक है। अब यदि एक हैवर्शियन कैनाल का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, द हैवर्शियन कैनाल कंटेन व्हाट, इट कंटेन आर्टरी, वेन एंड लिम्फेटिक वेसल फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन की सप्लाई के लिए यहां पर ब्लड सप्लाई होती है हेवर्शियन कैनाल में, ठीक है। हेवर्शियन कैनाल में जो मैट्रिक्स होता है इट इज अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग क्यों कहा है, क्योंकि यह इस प्रकार पेरिफेरी में अरेंज्ड है इसलिए सर, और एक रिंग्स में अरेंज है तो इनको कहा कॉन्सेंट्रिक रिंग। और यह कॉन्सेंट्रिक रिंग क्या कहलाती है, लैमिली, ठीक है। इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में स्पेसेस होते हैं, ठीक है, रिंग लाइक स्पेसेस, इट कंटेन रिंग लाइक स्पेसेस एंड विच आर कॉल्ड इज लैक्यूना एंड these lacuna having cytoplasmic processes which are called as canaliculi, ठीक है। तो जो cytoplasmic processes होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, these are all canaliculis, ठीक है, these are all lacuna, lacuna में क्या रहती हैं, osteocytes, ठीक है। तो lacuna contain ऑस्टियोसाइट, ठीक है, सिंगल ऑस्टियोसाइट, एक लैक्यूना में सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट रहती है,
ठीक है, और यही ऑस्टियोसाइट जो है यह मैट्रिक्स फॉर्म करती है, ठीक है, बोन्स फॉर्म करती है। ठीक, तो यह देखा हमने किस प्रकार का बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। यह जो हैवर्शियन सिस्टम होता है इसे हैवर्शियन कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो कि बोन का न्यूट्रिशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, समझ में आ गया बोन्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, हैवर्शियन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल में कॉन्सेंट्रिक रिंग जो कि क्या कहलाती है, लैमेलीज, लैमेलीज में लैक्यूना, लैक्यूना में ऑस्टियोसाइट, ठीक है, और लैक्यूना में कैनालिक्यूलीज होती हैं। ठीक, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। एंड नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन, प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, साथ ही लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी के वाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलेटल टिश्यू, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है देखा हमने। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेजेस।